Hello everyone and hello my beautiful girls, Assalamualaikum। I am Zeenu Laeek Khan and welcome back to my channel। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ इन दो प्रोडक्ट का, पतंजलि के इन दोनों प्रोडक्ट का। एक है ऑयल और एक है शैम्पू। ये मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। मुझे यूज़ करते हुए इन दोनों प्रोडक्ट को 2 months हो गए हैं। ये हेयर फॉल का एक कंप्लीट सोल्यूशन है गाइज। अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके एक बार कंघी करने में बहुत ज़्यादा बाल गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं, तो आप यकीन मानिए अगर आपको बहुत हद तक आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ये ऑयल है पतंजलि का, ये पतंजलि का केश कांति तेल है और ये 120 ml की क्वांटिटी में है। ये 100 ml है और 20 ml इसमें एक्स्ट्रा है, तो 120 ml की क्वांटिटी में ये है। और इसकी जो MRP है वो 130 रुपीज़ है। और मैं आपको इसको दिखा देती हूँ किस टाइप से आती है। इसकी बॉटल इस टाइप से आती है। अगर आप इसे कहीं, ये बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको एक बार इसे खोलते हैं तो आप देखेंगे इस बॉटल में से बहुत तेल सा निकलता भी है। तो आप अगर इसे लेकर जाएं कहीं तो अच्छी तरीके से पॉलीथीन में पैक कर लीजिए और इसे फिर लेके जाइए, ठीक है। ये तो हो गई इसकी पैकेजिंग की बात। है मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये इसका एक मैनुअल है, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज, मेहंदी, नीम, बहेदा, हरड़, गिलोय, व्रत कुमारी, जटामासी, हल्दी, नागकेशर, बकूची, गुड़हल फूल, छड़ीला, यष्टिमधु, अनंतमूल, रसोद, बच, नारियल तेल एंड तेलोय। इसके जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत अच्छे हैं और हम अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए तेल ऑयल निकालें। इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि ये सारे इनमें से कुछ भी इंग्रेडिएंट हम मतलब यूज़ कर पाएँ, इसलिए ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अगर आप चाहते हैं अपने हेयर फॉल से छुटकारा पाना तो आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बताने कि इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा सर को दर्द करने वाली है, लेकिन हेयर फॉल के लिए कुछ भी है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, क्या नहीं कर सकते हैं। तो बस इसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो मुझे इसकी फ्रेगरेंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और आपको इसे यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यूज़ आपको ऐसे करना है, आपको इसे ओवरनाइट अपने सर पर रात में आपको अपने सर पर स्कैल्प पर मसाज करनी है। देन इसे सेकेंड डे आपको वॉश कर देना है। और आप अगर ओवरनाइट नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि इसकी स्मेल बहुत बेकार है, आपकी नींद को ख़राब कर सकती है, अगर आप इसको ओवरनाइट नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसे नहाने से आधा घंटा पहले अपने स्कैल्प पे मसाज कीजिए। देन उसके बाद आप हेयर वॉश कीजिए। और हेयर वॉश के लिए आप कोई भी दूसरा केमिकल वाला शैम्पू नहीं यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि जो मार्केट में शैम्पू है उसमें केमिकल है, और ये जो हर्बल शैम्पू है पतंजलि का, इसमें कोई भी बाहर का केमिकल नहीं है। तो ये जो कम्प्लीट पैकेज है आपको ये दोनों प्रोडक्ट साथ में परचेज़ करने पड़ेंगे। ये आपको पतंजलि स्टोर से आसानी से अवेलेबल हैं ये दोनों प्रोडक्ट। और ये शैम्पू के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो शैम्पू है 200 ml की क्वांटिटी में आता है और इसकी जो MRP है वो 95 रुपीज़ है। और ये बहुत अच्छा शैम्पू है और इसकी जो फ्रेगरेंस है, मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत पसंद है। जब तक मैं 2 दिन तक अपने बालों को, मैं 2-2 दिन के गैप पर अपने बालों को वॉश करती हूँ, तो जब तक मैं अपने बालों को वॉश नहीं करती हूँ तब तक इसकी स्मेल मेरे बालों में रहती है। तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। बट ये है कि ये जो शैम्पू है, अगर हम इसमें ऑयल लगाते हैं तो ये एक बार में हमारे बालों से ऑयल नहीं निकालता है। इसे हमें 2 बार इस शैम्पू को अपने बालों में यूज़ करना होगा तभी हमारा ऑयल निकलेगा। और अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट को साथ में यूज़ करते हैं तो आपको बहुत हद तक अपने बालों, आपका जो हेयर फॉल हो रहा है उससे आपको निजात मिल जाएगी। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो मैंने इसलिए मैं किसी चीज़ के बारे में तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि पतंजलि ऐसी है और दूसरी ब्रांड बेकार है। बट ये मैंने खुद खरीदा था तो मुझे ये अच्छा लगा। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्हें अगर मेरे इस चीज़ से हेल्प मिल सकती है हेयर फॉल के लिए, क्योंकि हेयर फॉल आजकल सबका होता है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, सबको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत होती है। अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आप मुझे खुद, आप कमेंट सेक्शन में खुद बताइएगा कि आपको इनसे कितना फ़ायदा मिला है। और अगर आपके लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो ये बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है यार, ओके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।